खास करके मध्य प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो मध्य प्रदेश में तो बहुत दिनों बाद आपकी पटवारी की वैकेंसी आ रही है, MPSI आने वाली है, पुलिस, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी के संदर्भ में हम पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 है हमारे इस सीरीज का, जो MP स्पेशल की हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 है। MP स्पेशल में MP की हिस्ट्री में और MP का भूगोल हम पढ़ रहे हैं। तो भूगोल में हम, जैसा कि पिछले क्लास में बुंदेलखंड का पठार पढ़े थे, बुंदेलखंड के पठार को हमने देखा कि बुंदेलखंड का पठार की भौगोलिक स्थिति क्या है, बुंदेलखंड के पठार में क्या क्या स्पेसिफिकेशन अवेलेबल्स हैं, बुंदेलखंड के पठार में बुंदेलखंड की अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है और क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रफल बुंदेलखंड का कितना है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड को टच करते हैं, सारी चीज़ें हमने देखी इस हमारे पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे अपना मालवा का पठार, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों को। तो अगर हम मालवा के पठार के बारे में देखें मेरे भाई, मालवा के पठार के बारे में अगर हम देखें तो इसकी स्थिति के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें कि मालवा के पठार की स्थिति क्या है, तो उस मामले में हम देखते हैं कि इसकी जो लोकेशन है इन कॉन्टेंट ऑफ MP मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश के पश्चिम में, कहाँ से मेरे भाई, मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 74 डिग्री 22 से मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है, ठीक है। निर्माण कैसे होता है मालवा के पठार का, ठीक है, मालवा के पठार का निर्माण होता है दक्कन ट्रैप से। किससे निर्माण होता है? दक्कन ट्रैप से। दक्कन ट्रैप के जो लावा निकला उसके बाद लावा और बेसाल्ट हुआ, चट्टानों बेसाल्ट से लावा का जो लावा जब पिघल के बाहर आता है उसके बाद वो ठंडा होता है तो एक चट्टान का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं लावा के की चट्टाने तथा बेसाल्ट की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% भाग को ये कवर कर लेता है। कितने परसेंट भाग को कवर करता है मालवा का पठार? 28% भाग को मालवा का पठार कवर करता है मेरे भाई। मध्य प्रदेश के टोटल पार्ट में 28% भाग को मालवा का पठार कवर करता है। उसके बाद यहाँ की जलवायु कैसी है मेरे भाई? यहाँ की जलवायु शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होगी, शीत ऋतु में साधारण शीत होगी, ठीक है, ठीक है। समशीतोष्ण जलवायु का मतलब ही यही होता है कि गर्मी के समय में नॉर्मल गर्मी रहे, ठंडी के समय में नॉर्मल ठंडी रहे। इसीलिए चीन के एक प्रसिद्ध यात्री थे, चीन के एक दार्शनिक थे जिसका नाम फयान था। उन्होंने कहा था कि जो मालवा की जलवायु है ना वो दुनिया की श्रेष्ठतम जलवायु है, मालवा की जलवायु दुनिया की श्रेष्ठतम जलवायु में से एक है। ये बात चीन के यात्री फयान ने किया था क्योंकि यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है, ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, नॉर्मल गर्मी, शीत ऋतु में नॉर्मल ठंडी, ठीक है। वर्षा का क्या प्रभाव है यहाँ, क्योंकि ये पठारी रीजन है, आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पानी यहाँ नहीं बरसता, 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर तक की यहाँ पे वर्षा हो जाती है। अगर इस लेवल की बरसात हो रही है तो पेड़ पौधे कैसे पाए जाएंगे मेरे भाई? पेड़ पौधे यहाँ कैसे पाए जाएंगे? शुष्क और पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? शुष्क पौधे पाए जाते हैं और पतझड़ वाले पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब रही बात मिट्टी की, हम देख लेते हैं तो देखिए जिस तरीके की चट्टान है उसी के अकॉर्डिंग मिट्टी होगी। अगर लावा से बनी चट्टान है तो काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाएगी, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है मेरे भाई? काली मिट्टी पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक दूसरे से लिंक करके हम पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो जब काली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पे फसल कौन कौन सी होंगी, काली मिट्टी में किस चीज की फसल ज्यादा होती है, सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि की फसलें जो हैं यहाँ पे ज्यादा से लेवल में होती हैं। और आपको एक चीज जान लीजिए, सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही उत्पादित किया जाता है, सोया प्रदेश भी इसको बोलते हैं। नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, नदियाँ जो हैं मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियाँ होके गुजरती हैं, प्रमुख नदियाँ हैं जैसे चंबल नदी हुई, छिप्रा नदी हुई, उसके बाद पार्वती नदी हुई, गंभीर नदी हुई, खान नदी, माही नदी, और भी बहुत सारी इसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं फ्लो होती हैं मालवा के पठार से, प्लेटियो ऑफ मालवा से फ्लो होती हैं। ठीक है मेरे भाई, अब कौन मध्य प्रदेश स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसको कनेक्ट करते हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में मालवा रेंज आती है, तो सबसे ज़्यादा रेंज आती है इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार और झाबुआ जिले। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं जिन जिलों में से मालवा की पठार, मालवा का पठार का क्षेत्रफल यहाँ तक फैला है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, आपने यहाँ पे देखा कि 28% भाग पे फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र होने के नाते इसको बकेट ऑफ व्हीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बकेट ऑफ व्हीट, सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादित यहाँ पे किया जाता है इस रेंज में, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, नॉट इंडिया, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, कर्क रेखा जो है मालवा को बीच से काटती है, बीच से गुजरती है, कर्क रेखा मालवा के बीच से गुजरती है, अब देखिए यहाँ की कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं, जैसे यहाँ एक सिंगार चोटी है, एक जनापाव चोटी है और एक धनजारी चोटी है, इस तरीके से तीन चोटियाँ हैं और तीनों चोटियाँ आपके इंदौर शहर, इंदौर क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे सिंगार चोटी की ऊंचाई कितना है, 881 मीटर है, पठार है 1000 मीटर से ऊपर नहीं होता है, कहीं कहीं नहीं नॉर्मल 1000 to 1500 मीटर इसकी जो है औसत ऊंचाई, नॉर्मल ऊंचाई होती है। जनापाव की है 854 मीटर, धनजारी की है 810 मीटर। इस तरीके से हमारा पार्ट थ्री मालवा का पठार फिनिश होता है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा मध्य प्रदेश भूगोल का, नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा रीवा पन्ना का पठार, इम्पॉर्टेंट पठार है, उसके बाद नर्मदा घाटी हम पढ़ेंगे। नर्मदा घाटी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सतपुरा श्रेणी और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है, इस तरीके से जो फिजियोलॉजी ऑफ मध्य प्रदेश है, फिजिकल डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश है, उसको हम अच्छे से यहाँ देखेंगे, जिससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम टेकल कर सकें, कोई क्वेश्चन हमारा छूटे ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।